उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रूस पहुंच चुके हैं। कोरोना के बाद किम जोंग की यह पहली विदेश यात्रा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन जंग में हथियारों की सप्लाई और सैन्य सहयोग की बात करने पहुंचे। तानाशाह किम जोंग जैसे ही रशिया के लिए रवाना हुए, उनकी बख्तरबंद ट्रेन की चर्चा तेजी से होने लगी। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। दरअसल उत्तर कोरियाई तानाशाह ने अपनी सजी हुई भारी बख्तरबंद और धीमी गति से चलने वाली निजी ट्रेनों से यात्रा की है। इस दौरान उनके साथ कई राजनयिक और कमांडर्स के अलावा शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि किम जोंग क्यों ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनकी ट्रेन की क्या खासियत है और क्यों दुनिया भर में किम जोंग की ट्रेन की चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग के साथ अन्य उत्तर कोरियाई नेताओं ने भी धीमी गति से चलने वाली हरी और पीली ट्रेन में 1180 किलोमीटर की यात्रा में 20 घंटे का वक्त बिताया। किम जोंग उनकी ये खास ट्रेन क्यों इतनी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है, इससे अधिक नहीं। इसकी तुलना लंदन की हाई स्पीड रेल और जापान की शिकानसेन बुलेट ट्रेन से भी की जाती है, जो कि क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर कोरियाई नेता हवाई जहाज से यात्रा क्यों नहीं करते। हवाई जहाज से यात्रा करने की बजाय वो ट्रेन से क्यों जाना पसंद करते हैं। दरअसल बताया ये जाता है कि किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम इल सुंग दोनों हवाई यात्रा से डरते थे। उनका ये डर उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने एक हवाई जहाज के दौरान अपने जेट में विस्फोट देखा था। इसी घटना के बाद किम इल सुंग सन 1986 में सोवियत संघ चले गए। ये आखिरी बार था जब उत्तर कोरियाई नेता ने 3 दशकों से अधिक समय तक सार्वजनिक रूप से हवाई मार्ग से विदेश यात्रा की। माना यह जाता है कि किम हवाई यात्रा से डरते हैं, ऐसे में वो ज्यादातर यात्राएं ट्रेन से करते हैं। इस ट्रेन को 1949 में किम के दादा किम इल संग को स्टालिन ने गिफ्ट किया था। ये कई डिब्बों वाली इंटरकनेक्टेड ट्रेन है। जब भी किम उत्तर कोरिया या चीन की यात्रा करते हैं तो उनका सारा लाव लश्कर इसी ट्रेन में दिखाई पड़ता है। बहुत सारी रिपोर्ट्स है जो ये कहती है कि किम जोंग उन जो है वो स्विट्जरलैंड में जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी वो हवाई यात्रा करते थे। हालांकि साल 2011 में पदभार संभालने के बाद से उन्होंने कभी कभार हवाई यात्रा का विकल्प जरूर रखा था, लेकिन ज्यादातर बड़ी यात्राएं वो ट्रेन से ही करते हैं। साल 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिंगापुर में उनकी मुलाकात की थी, तब उन्होंने हवाई यात्रा की थी। कई लोगों का ये भी मानना है कि उन जो है वो ट्रेन से यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपना परिवार जो है जो उसकी संस्कृति है, जो उसकी परंपरा है, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। इस ट्रेन की खासियत बताते बताते आपको ये भी बता दें कि इस ट्रेन में 90 डिब्बे हैं। वहीं इसमें सवार लोगों की पहचान न हो सके इसके लिए काली खिड़कियां लगाई गई हैं। ट्रेन के सभी डिब्बे बुलेट प्रूफ हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेन बहुत भारी हो जाती है। इसमें एक रेस्तरां भी है, महंगी फ्रांस की वाइन यहाँ मिलती है। इतना ही नहीं, यात्री लाइव लॉबस्टर और पोर्क बारबेक्यू का भी आनंद यहाँ ले सकते हैं। एक नहीं, 3-3 ट्रेनें इनके कह लीजिए कि किम जोंग के जखीरे में चलती है। सरकारी मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में देखा गया है कि जब वो गहरे हरे रंग की ट्रेन में चढ़े तो सैन्य सम्मान गार्ड ऑफ और गहरे रंग के सूट में लोगों की भीड़ फूल और झंडे लहरा रही थी। ये ट्रेन बख्तरबंद है। ऐसा माना जाता है कि किम की ट्रेन गहरे रंग की लकड़ी से बने प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ साथ कई शयन कक्ष, सैटेलाइट फोन्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी, बहुत सारी चीज़ों से जो है लैस है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इसी ट्रेन में रहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि उनकी ट्रेन के अलावा 2 और ट्रेनें एक साथ चलती हैं। इसमें से एक ट्रेन जो आगे चलती है वो ये सुनिश्चित करती है कि रेलवे ट्रैक सुरक्षित है और पीछे वाली ट्रेन अंगरक्षकों और सहायक कर्मियों के लिए ले ली जाती है। इस ट्रेन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रेन 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलती है, न इससे तेज और न इससे कम। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।